सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही सीएम ने गुपकार सम्मेलन को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि गुपकार सम्मेलन को लेकर कांग्रेस को अपना दृष्टिकोण जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए। श्रीमती सोनिया गांधी जी और युवराज कहूं या और कुछ कहूं, श्री राहुल गांधी जी से सवाल पूछना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में गुफकार संगठन बनाए, अलायंस बनाए, आठ दलों ने एक होकर बनाया है। अब इसको मैं गुफकार अलायंस कहूं या एंटी नेशनल अलायंस कहूं या एंटी पीपुल अलायंस कहूं, क्योंकि इसमें शामिल जितने नेता हैं सब राष्ट्र विरोधी बयान देते हैं। वहीं शिवराज के इस बयान को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार पर पलटवार किया है और कहा है कि भाजपा को कांग्रेस से सवाल पूछने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है। देखिए, ये जो आरोप बड़ा है कि छोटा है ये तो वो ही जाने, लेकिन उन्हें आईने के सामने खड़े होकर ये आरोप लगाना चाहिए। और इस बात का मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि पहले वो इस बात का जवाब दें कि आतंकवादियों को कांधार छोड़ने कौन गया था प्लेन में बिठाकर? कांग्रेस गई थी क्या? आप आतंकवादियों को छोड़ने जाओगे कांधार तक और जवाब कांग्रेस से मांगोगे? आप 3 साल तक जो है सत्ता की मलाई इन्हीं लोगों के साथ चाटते रहे, कश्मीर की सरकार में शामिल रहे और सब जवाब देगी कांग्रेस पार्टी? आप मलाई खा रहे थे उनके साथ बैठकर सत्ता में। आज भी आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लद्दाख काउंसिल में वहाँ की सरकार में शामिल है इन्हीं संगठनों के साथ, जवाब देगी कांग्रेस पार्टी। वहीं सीएम शिवराज चौहान ने फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला पर भी निशाना साधा। ब्यूरो रिपोर्ट, वंदे भारत न्यूज़।